महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान पवार अब तक 3 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर चुके हैं। 19 जुलाई को शरद पवार ने अहमदनगर जिले के अकोले निर्वाचन क्षेत्र से अमित भांगरे के नाम की घोषणा की और उन्हें लोगों से समर्थन देने की अपील की। शरद पवार ने इस दौरान अजीत पवार गुट के विधायक किरण लहामटे से नहीं लड़ने की अपील की। भांगरे के नाम के ऐलान से साफ है कि यहां से इस सीट पर किरण लहामटे से उनका मुकाबला होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान पवार अब तक 3 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर चुके हैं। 19 जुलाई को शरद पवार ने अहमदनगर जिले के अकोले निर्वाचन क्षेत्र से अमित भांगरे के नाम की घोषणा की और उन्हें लोगों से समर्थन देने की अपील की। शरद पवार ने इस दौरान अजीत पवार गुट के विधायक किरण लहामटे से नहीं लड़ने की अपील की। भांगरे के नाम के ऐलान से साफ है कि यहां से इस सीट पर किरण लहामटे से उनका मुकाबला होगा।